छुट्टी पर गांव आए सिपाही की ताऊ और उसके पुत्र ने फावड़े से काट कर की हत्या। 3 दिन की छुट्टी पर गांव आए सिपाही की पारिवारिक रंजिश में उसके ताऊ ने तड़के 4 बजे फावड़े से काट कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर SSP संजय कुमार वर्मा, ASP ग्रामीण सत्यपाल सिंह सहित फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्राम गोवेपुर थाना सिपाही निवासी अनिल यादव शुक्रवार की शाम को ही छुट्टी पर आया था। वह मथुरा में पुलिस लाइन में परिवहन शाखा में तैनात था। बताया गया है कि पारिवारिक रंजिश को लेकर उसके ताऊ दर्शन सिंह से भी चल रहा था। शुक्रवार की रात को ही अनिल के ताऊ से कहासुनी हुई। उसके बाद दर्शन सिंह और अनिल ट्यूबवेल के पास एक साथ चारपाई डालकर सो रहे थे। दर्शन सिंह ने फावड़ा कुल्हाड़ी व दरांती की मदद से हत्या कर दी। SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया है कि अनिल के सगे ताऊ और उसके लड़कों ने फावड़ा कुल्हाड़ी से दराती मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में 2 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक आरक्षी के पद पर जो है मथुरा में नियुक्त थे और अनिल कुमार नाम था, 2006 बैच के सिपाही थे, मथुरा में नियुक्त छुट्टी पर आए हुए थे। उनके सगे बड़े पापा दर्शन सिंह, जिनका नाम बताया जाता है, उनके द्वारा चोट पहुंचा करके, काफ़ी गहरी चोट पहुंचा करके, मैं कहूंगा कि फावड़े का इस्तेमाल और डंडे का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल करके उनको काफ़ी चोटें पहुँचाई गई उनके सर पर। आप देख रहे होंगे काफ़ी विभत्स स्थिति में उनकी हत्या की गई है। उनके सर को और तमाम इतने वार किए गए हैं कि पूरा स्थिति, पूरी बॉडी जो है ख़राब स्थिति में हो गई है। तो निश्चित तौर से जो है इसमें मैं बहुत ही सख्त कार्रवाई करूंगा। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी इसमें हम ऐसी कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर से जो है कि इसमें कानून व्यवस्था को और लोक व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा।